हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान जीके में बांसवाड़ा ज़िले के बारे में डिस्कस करेंगे। बांसवाड़ा ज़िला, बांसवाड़ा के संस्थापक कौन थे? जगमाल। बांसवाड़ा के संस्थापक कौन थे? जगमाल। एकीकरण के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह। एकीकरण के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा में स्थित बांध, बांसवाड़ा में कौन सा बांध है? माई बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा में कौन सा बांध है? माई बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। बांसवाड़ा राजस्थान का कौन सा जिला है? बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, मानसून का प्रवेश द्वार को बांसवाड़ा। 100 दीपों का शहर बांसवाड़ा, 100 दीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे पहले राजस्थान में मानसून आवागमन बांसवाड़ा से होता है। सबसे पहले मानसून का आवागमन कहाँ से होता है? बांसवाड़ा से होता है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती है। राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा से कर्क रेखा 25 किलोमीटर गुजरती है और 1 किलोमीटर कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर से। बांसवाड़ा से कर्क रेखा 25 किलोमीटर गुजरती है और 1 किलोमीटर कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर से। बांसवाड़ा का शुभंकर जलपीपी है। बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है? जलपीपी है। बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है? जलपीपी है। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम शहर है। बांसवाड़ा कौन सा शहर है राजस्थान का? दक्षिणतम शहर है। राजस्थान में हरा सोना बांस यहीं से मिलता है। राजस्थान में हरा सोना, हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को। और यह कहाँ से मिलता है? बांसवाड़ा से। राजस्थान में हरा सोना बांस यहीं से मिलता है। लोडी काशी बांसवाड़ा को कहते हैं। लोडी काशी किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। लोडी काशी बांसवाड़ा को कहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत बांसवाड़ा में निवास करता है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में है। आदिवासियों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। आदिवासी को शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। रिवाइज करते हैं, बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा के संस्थापक कौन है? जगमाल। बांसवाड़ा के संस्थापक कौन है? जगमाल। एकीकरण के समय बांसवाड़ा का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह। कौन था? चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा में स्थित बांध माही बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा में कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम जिला है। बांसवाड़ा राजस्थान का कौन सा जिला है? दक्षिणतम जिला है। मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। 100 दीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। 100 दीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे पहले राजस्थान में मानसून आवागमन बांसवाड़ा से होता है। सबसे पहले राजस्थान में मानसून कहाँ से आता है? बांसवाड़ा से आता है। सबसे पहले राजस्थान में मानसून आवागमन कहाँ से होता है? बांसवाड़ा से होता है। राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती है। राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? बांसवाड़ा पर पड़ती है। बांसवाड़ा से कर्क रेखा 25 किलोमीटर गुजरती है और 1 किलोमीटर डूंगरपुर से गुजरती है। बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है? जलपीपी। बांसवाड़ा का शुभंकर जलपीपी है। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम शहर है। बांसवाड़ा राजस्थान का दक्षिणतम शहर है। राजस्थान में हरा सोना, हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को। राजस्थान में हरा सोना बांस यहीं से मिलता है। लोडी काशी बांसवाड़ा को कहते हैं, लोडी काशी बांसवाड़ा को कहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत बांसवाड़ा में निवास करती है। आदिवासियों का शहर है बांसवाड़ा। आदिवासियों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।